गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम सेवन्थ चैप्टर रीड कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है फेडरलिज्म। कि हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म जनरली डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिवाइड करना ही फेडरलिज्म है। लास्ट लेक्चर भी हमने पढ़ा था कि कौन कौन से वो प्रोविजंस हैं जो इंडिया को एक फेडरल स्टेट बनाते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि वो कौन कौन से प्रोविजन से जो इंडिया को एक यूनिटी स्टेट बनाते हैं। तो इन दोनों के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था कि इंडिया को एक हम फेडरल स्टेट भी कह सकते हैं और उसके साथ साथ उसको एक यूनिटी, यानी कि अगर एक सिंपल सा इसका एक कंक्लूजन निकालते हैं तो हम ये है कि इंडिया जो है वो दोनों का मिक्सअप है। कि इंडिया में कुछ प्रोविजंस इंडिया को एक फेडरल स्टेट बनाते हैं और कुछ प्रोविजंस है जो इंडिया को एक यूनिटरी स्टेट बनाते हैं। तो इंडिया में दोनों ही सिस्टम्स के कुछ कुछ प्रोविजंस को शामिल किया गया है। आज हम बात करेंगे सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन का, कि इंडिया जो है एक सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन है। कि हमने यहाँ पर पावर को तो डिवाइड किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो सेंटर है, यानी कि सेंटर जो गवर्नमेंट है, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ओके, देखिए, इंडियन फेडरलिज्म एक सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन, कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड है। देखिए, द यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली इंडिकेट दैट इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि इंडिया में जो सेंटर गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है। बट दिस डज नॉट मीन देर इज़ नो फेडरेशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे फेडरेशन नहीं है, हमारे यहाँ पे पावर को डिवाइड नहीं किया गया है। इनफैक्ट इंडियाज फेडरल फीचर्स प्रूव इट टू बी ए फेडरल स्टेट, कि इसकी जो फेडरल फीचर्स है वो इंडिया को एक फेडरल स्टेट प्रूव करती हैं। इट कैन बी बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज ए क्वासी फेडरल स्टेट और ए सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन। इसको हम क्वासी फेडरल स्टेट कह सकते हैं या सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन, कि हमने पावर का डिवाइड किया हुआ है लेकिन सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, इन दिस कॉन्टेक्स्ट जी एन जोशी ने कुछ कमेंट कहा था। देखिए क्या कहा था, कि देर आर सम ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ द इंडियन यूनियन, कि इंडियन यूनियन के कुछ यहाँ पर फीचर्स हैं। इट बोथ रिजेंबल्स एंड डिफर्स फ्रॉम अदर फेडरेशन, कि जो दूसरे जो फेडरेशन है यानी कि दूसरे कंट्रीज है उनसे डिफर है। इट मे बी करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज, इसलिए इसको हम एक क्वासी फेडरल सिस्टम कह सकते हैं, कि जहाँ पर पावर को डिवाइड किया गया लेकिन उसके बावजूद स्टेट को हमने थोड़ी ज़्यादा पावर्स दी गई है। अब देखिए, सेंट्रलाइज फेडरेशन इंडिया हैज़ बीन द रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स, कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल रही है। इसके कई फैक्टर्स हैं। अब वो फैक्टर्स क्या हैं, देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोलिथिक पार्टीज विच कंट्रोल देयर स्टेट ऑर्गन्स थ्रो हाई कमांड एट द सेंटर, कि हमारे यहाँ पर पार्टीज जो थी, इस तरह की पार्टीज थी, स्टेट ऑर्गन्स को जो कंट्रोल कैसे करती थी, कि जो हाई कमांड मिनिस्टर्स होते थे स्टेट में, वो यानी कि आप कह सकते हो कि सेंटर ने जनरली स्टेट्स के ऊपर, सेंटर के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने स्टेट के ऊपर अपना कंट्रोल किया हुआ था, जिसकी वजह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ कांग्रेस रूल एट द सेंटर एंड इन ऑल स्टेट्स, कि स्टार्टिंग से जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और तब से लेकर अगर हम बात करें 1989 तक की, स्टेट में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी लगभग, और सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। और उस समय सेंटर गवर्नमेंट में जो पीएम वगैरह होते थे काफ़ी पॉपुलर थे, तो जनरली उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखा। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल प्लानिंग एज द मोड ऑफ, कि नेशनल प्लानिंग, प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था। अब प्लानिंग कमीशन को इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, तो उस पर जो कंट्रोल होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था, क्योंकि पीएम ही उसका हेड होता था। एमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन द वेक ऑफ चाइनीज अग्रेशन इन 1962, कि 1962-65 और 71 में एमरजेंसी को इम्पोज किया गया था, एमरजेंसी लगाई गई थी, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के साथ वॉर हुआ था। और उस समय एमरजेंसी में हमने अभी पढ़ा था कि सारी पावर्स किसके पास आ जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो इसलिए सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो गया। ये कुछ सर्कमस्टांसिस हैं जिनकी वजह से कि सेंट्रलाइज फेडरेशन हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कि रूल्ड बाय नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर, कि 1947 से 64 तक नेहरू ने रूल किया, और उसके बाद 66 से
84 तक इंदिरा गांधी ने रूल किया तो सभी को उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। और आर्टिकल 356 जो है कि जो प्रेसिडेंट रूल होता है उसका मिसयूज़ किया गया सेंटर ने। मेनली अगर बात करें हम जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने आर्टिकल 356 का मिसयूज़ करके देश में इमरजेंसी लगाई थी स्टेट्स में और अपनी पावर को बढ़ाया था। तो ये उस तरह के सर्कमस्टांसिस थे जिनकी वजह से कि स्टेट गवर्नमेंट हमेशा दबी रही और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो पावरफुल रही, इसलिए इंडिया को एक सेंट्रलाइज फेडरेशन बन गया। डिस्पाइट ऑल क्रिटिसिज्म देयर आर नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट डिसरप्टिव फोर्सेज हैव ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्ग इन इंडिया, कि कुछ डिसरप्टिव फोर्सेज थी जिन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा वॉयलेंस या आप कह सकते हो कि इनडिसिप्लिन क्रिएट किया था जिसकी वजह से कि हमारे यहाँ पर सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। द न्यू पोलिटिकल अलाइट्स हैड देयर फॉर फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ गार्डिंग द कंट्री अगेंस्ट सेंट्रल फिगल फोर्सेज एंड द प्रेजेंट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट वॉज डिजाइन टू अवॉइड द एविल्स दैट थ्रेटन्ड इंडियाज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो जनरली इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जो बाहरी फोर्सेज थी उनसे देश को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी गई। द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फीचर फ्रॉम द अदर, और हमने पहले पढ़ा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है कि उधार लिया कि हमने अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग चीज़ों को अडॉप्ट किया है। बट देयर ड्राफ्ट वॉज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ फेडरेशन इन अदर स्टेट्स, दे मॉडिफाइड इट टू मीट द स्पेशलिटीज ऑफ इंडिया एंड इंडियन फेडरेशन इज एलास्टिक एनफ टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू इंडिया चेंजिंग एंड ग्रोइंग नीड्स। तो जनरली इसको मॉडिफाई भी किया गया इंडिया की फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग, इंडिया की जो सिचुएशन थी उनके अकॉर्डिंग हमने इसको मॉडिफाई भी किया है, ठीक है। और जनरली इसको इंडिया की चेंजिंग के और ग्रोइंग के अकॉर्डिंग इसको हमने अडॉप्ट किया है। अब आता है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के। सेंटर और स्टेट देखो हम पढ़ चुके हैं कि सेंटर जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है बजाय स्टेट गवर्नमेंट की। देखिए इन ए फेडरेशन पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, यूनियन एंड स्टेट डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कि दोनों को जो पावर्स दी गई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। और सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, तीन उसमें दे रखा है यहाँ पर, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। देखिए यहाँ पर जनरली एक पहले इसको देख लीजिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कि यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, कि जिसके बेस पर डिवीज़न ऑफ पावर हमने पढ़ा है, जिसके बेस पर हम कहते हैं कि ये एक प्रोविज़न है जो इंडिया को एक फेडरल स्टेट बनाता है। देखिए यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, डिफेंस हो गया, एटमिक हो गया, एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी, ये सारी चीज़ें जो आती है जो यूनियन लिस्ट में, कि इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको, केवल यूनियन गवर्नमेंट को। इसके बाद यहाँ पे स्टेट लिस्ट में कौन से हैं, एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइफ स्टॉक एंड एनिमल्स, हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विसेज, और इन पर कानून बनाने के अधिकार किसको है, स्टेट लिस्ट को। और कॉन्करेंट इसमें क्या क्या आता है, देखिए एजुकेशन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम देन एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, अडल्ट्रेशन, अडप्शन एंड सक्सेशन, और इन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों ही गवर्नमेंट्स के पास होता है, सेंटर के पास भी और स्टेट के पास भी, दोनों ही गवर्नमेंट इस पर कानून बना सकती है। इसके अलावा एक और था रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो इन तीनों लिस्ट में से किसी में भी नहीं आते, ठीक है। जो तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट शामिल नहीं है वो सभी रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं। इसमें जनरली देखिए इंक्लूड ऑल अदर मैटर्स नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट, कि इन तीनों में से जो मैं लिस्ट में मेंशन नहीं है उनके अलावा, जैसे साइबर लॉज है, साइबर लॉज आप जानते हैं जो आजकल नेट के थ्रू जो क्राइम्स होते हैं, और इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल यूनियन गवर्नमेंट को ही होता है, कोई और दूसरा इस पर कानून नहीं बना सकता। तो ये तीन लिस्ट हैं और इसके अलावा रेजिड्यूरी पावर्स हैं, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, जो कि इंडिया को एक सेंटर, उसमें कह रहे हैं कि हम इंडिया को एक फेडरल स्टेट बनाते हैं जो हमारे यहाँ पर पावर का डिवीज़न किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके।